नगर परिषद हमीरपुर के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की बैठक नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी किशोरी लाल ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शहरी विकास विभाग निदेशालय शिमला से आए एक्सपर्ट्स ने कूड़ा निस्तारण को लेकर कर्मचारियों को विस्तार से जानकारी दी तथा लोगों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 के अंतर्गत अलग अलग कूड़ा सफाई कर्मचारियों को देने के लिए जागरूक करने की अपील की। नगर परिषद हमीरपुर में लोगों को अलग अलग सूखा और गीला कूड़ा सफाई कर्मचारियों को देने के लिए अब प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा 4 समूहों का गठन किया गया है। देखो, आज जो हमारी नगर परिषद की जो बैठक हुई है उसमें हमारे शहरी विकास विभाग से 2 एक्सपर्ट आए हुए थे, जिसमें एक एक्सपर्ट जो थी वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है और दूसरे IEC के एक्सपर्ट हैं। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट हैं वो ईला जोसेफ है और IEC के जो हैं वो हमारे TH अंसारी जी हैं, जिन्होंने IEC के बारे में पूरा सफाई कर्मचारियों में और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लेडीज़ थी उनके बीच पूरी गाइडलाइंस के अनुसार उनको समझाया और उसमें उन्होंने 4 आदमियों का ग्रुप बनाया, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर होंगे, सफाई कर्मचारी होंगे, बीच में हमारे नगर परिषद के जो वार्ड काउंसलर हैं या जो हमारे सेंट्री सुपरवाइजर हैं वो उसके मेंबर होंगे, और एक टीम प्रत्येक वार्ड में जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी कि अपने घर का कूड़ा अलग अलग करके दें, उसमें मिक्स्ड कूड़ा ना दें, वो सेग्रीगेटेड करके दें। और ये इन्होंने बताया हमारे को कि ये कुछ ही समय के बाद नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे हरेक वार्ड में, जो IEC के तहत आने वाले समय में नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे और लोगों को सफाई व्यवस्था के बारे में और सेग्रीगेशन के बारे में जागरूक करेंगे। और जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, उन्होंने एक्सपर्ट ने यहाँ सफाई कर्मचारियों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो सदस्य थे उनको, हमारे वार्ड काउंसलर थे, प्रेसिडेंट थे, इन सबको इसके बारे में पूरा समझाया और कहा कि कूड़ा जो है वो अलग अलग करके दें और उसका जो वेट गार्बेज है उससे खाद बनती है, वो अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में गए हैं, वहाँ पर जो हमारे कंपोस्ट पिट हैं वहाँ पर वो देख रहे हैं कि खाद किस तरह बन रही है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर देख रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।